नए प्रवक्ता पारस में टेक्सटाइल डिज़ाइन। आज आपको मैं क्रीप व्यू के तीसरे मेथड को बताना चाहता हूँ, जिसके द्वारा अपन क्रीप व्यू का निर्माण करते हैं। और तीसरे मेथड का नाम है बाय रिवर्सिंग ए स्मॉल मोटिफ, अर्थात मोटिफ जो चयन किया है अपन ने, उसको अपने को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो सबसे पहले अपन को मोटिव का चयन करना पड़ेगा। तो मैंने ये मोटिव बनाया, सबसे पहले ये मोटिव बनाया, फिर इस मोटिव को मुझे बनाना है, इसकी रिपीट साइज का चयन करना है। तो ये टू एंड है तो इसके डबल लिए, तो 4x4 बनाना है। तो इसके लिए मैंने 8x8 की डिज़ाइन रिपीट साइज का चयन किया। 8x8 की रिपीट बनाकर मैंने इसके 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इस मोटिव को मैं इस फर्स्ट वाले क्वार्टर में भर रहा हूँ, वर्टिकल दिशा में। जैसे मोटिव बना हुआ 1, 2, 3 ये भर दिया। अब इसी के अंदर इसी मोटिव को रिवर्स करना है, तो पहले इस वाले कॉर्नर से चलूँगा, तो अब इस वाले कॉर्नर से चालू करूँगा, तो ये मोटिव मेरा रिवर्स डायरेक्शन में बन गया। ऐसे तो ऐसे हो गया रिवर्स। तो सेम इस मोटिव को मैं क्वार्टर नंबर 3 में भर दूंगा, तो ये और ये क्वार्टर सेम हो जाएंगे, 1, 2, 3 और ये आ गए 1, 2, 3 और ये कॉलम, दोनों वर्टिकल ही है, सेम हो गए। फिर इस वाले मोटिव का उल्टा इसमें भरना है, क्वार्टर सेकंड में। तो ये वर्टिकल भरा था, ये हॉरिजॉन्टल भरा, तो 1, 2, 3 और ये मोटिव। अब इसी का उल्टा इसमें भरना है, इसको इसको और चालू किया, तो यहाँ से इससे यहाँ से चालू किया, तो ये हो गए ये मोटिव यहाँ भर लिया। फिर सेकंड और फोर्थ सेम होंगे, तो इस मोटिव इसमें जो डिज़ाइन बनी है इसको सेम इसमें मैंने फिलअप किया। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये मेरी डिज़ाइन पूरी हो गई। तो इस तरह से अपन क्रीप व्यू का निर्माण करते हैं भाई रिवर्सिंग ए स्मॉल मोटिव। अब इसमें चौथा मेथड है क्रीपी बनाने का, वो है इंसर्शन ऑफ वन व्यू ओवर अनदर। इस मेथड में क्या है कि अपने को रेगुलर सर्टेन व्यू का ही साधारणतः चयन किया जाता है। तो इसमें क्या किया, मैंने 8 एंड 13 ली और इसका काउंट नंबर 3 रखा। आप देख रहे हैं मैंने ये रिपीट साइज बना दी 8x8 की और काउंट नंबर 3 ऐसे मार्किंग की। ये पहला पॉइंट है मेरा 1, 2 एंड 3 इस तरह से मैंने पूरे इस 8x8 में काउंट नंबर 3 के हिसाब से 13 व्यू भर दी। फिर एक दूसरी व्यू का चयन किया, वो भी 13 ही है, उसका भी काउंट नंबर सेम है। इसको सेकंड एंड और फर्स्ट पिक से शुरुआत की, इसको मैंने सर्किल के द्वारा दर्शाया गया है, ये आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3 तो इस तरह से मैं काउंट नंबर 3 के आधार पर इस पूरे ब्लॉक में फिर सेटिंग व्यू भर ली। फिर क्या किया, 4 एंड 17 व्यू बने, आप ये देख रहे हैं 4 एंड 17 स्टैंडर्ड व्यू है। जब ये 8x8 के, तो इसको भी अपने को 8x8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको अपने 8x8 में कन्वर्ट किया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, ये अपने सेटिनेट बना दिया 8x8 में, ये बना दिया। अब क्या करना है, इस व्यू को जो कि चित्र ए के द्वारा दर्शाया गया है, इस व्यू को इस व्यू के अंदर इंसर्ट करना है। क्या करना है, इस व्यू को इस व्यू के अंदर इंसर्ट करना है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम सी में, ये सेटिनेट मार्क है, ये पहला मार्क है। अब इस व्यू को इसमें बढ़ना है, तो अपन इसको इस हिसाब से, ये पहला पॉइंट लेंगे इसका फर्स्ट पिक के हिसाब से, इसमें अपन ये व्यू इसमें मार्किंग करते हुए जाएंगे। पहले पहला पिक लेंगे, फिर दूसरा पिक भरेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा,
जहाँ जहाँ सेटिनेट मार्क आएंगे उसको अपन गोला कर देंगे, उसको क्या करेंगे गोला करते हुए जाएंगे, तो ये अपनी इंडिकेशन दिखाएगा। इसमें एक इरेगुलर होगी, इसमें क्या होगी फोर एंड सेटिनेट क्या होगी इरेगुलर होगी, तो ये अपन इसमें वीव भर रहे हैं। तो अपना ये चौथा मेथड है इंसर्शन ऑफ द वन वीव ओवर अनदर विधि से क्रिप वीव का निर्माण कैसे करते हैं। इस तरह से अपना क्रिप वीव का टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।